फ्यूज, फ्यूज को एफ से डिनोट करते हैं, किसे? हाँ, एफ से। SMD फ्यूज। मुझे तो भाई फ्यूज बहुत पसंद है। एक इसमें फ्यूज है, इसकी शक्ल मुझे, ये जो TF लिखा है ना ग्रीन कलर, ये N लिखा है ना ये ग्रीन कलर, सुमित ये बहुत पसंद है। सही बात है, ये जो हाँ मैकबुक की जो डिस्प्ले होती है ना, आधे केस तो डिम डिस्प्ले वाले इसी से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी, पहले भी मैंने लोगों को बताया है कि ये वाला फ्यूज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक फ्यूज ओपन होता है तो कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का, मतलब आपको तोहफा देता है या दिलाता है। ठीक है मितेश भाई, यस सर, यस सर, यस ये मैकबुक्स में लगे हुए हैं, वैसे हर लैपटॉप में लगा होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स, लेकिन मैकबुक में लगा होता है वो भी स्क्रीन वाले पोर्शन में। कहाँ लगा होता है? हाँ, स्क्रीन वाले पोर्शन। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन शेयर है ना हमारा, यस सर, जी हाँ। ये ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, P लिखा हुआ। हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, यस सर, दिख रहा है। ये फ्यूज है। क्या है फ्यूज? फ्यूज का काम क्या होता है? दो ट्रैक को जोड़ना। क्या करना? दो ट्रैक को हाँ, जोड़ना। और अपने में से होकर एक लिमिटेड करंट को ही पार होने देना। जैसे हम लोगों ने देखा है, जैसे दो दो गांवों के बीच में मान लो एक नदी है। क्या है? नदी। उन नदी दोनों है, गांव को एक दूसरे से जोड़ना होता है तो रस्सी का पुल आजकल लगता है ना, बारिश में अक्सर क्या हो जाता है, पानी ओवरफ्लो होने रस्सी लगता है तो रस्सी के पुल लगाए जाते हैं, टेम्परेरी बना रस्सी लेते और बंबू का। कितने लोगों ने देखा है? जी। अब हमने ये देखा है सर, पुल ऐसा होता है, टेम्परेरी हाँ, ये ब्रिज ऐसा होता है कि अगर इसकी क्षमता दो आदमियों को एक साथ पार करने की है तो दो ही आदमी पार होने चाहिए, जो ही 3 या 4 आदमी उस पे जाएंगे तो वो पुल क्या हो जाता है, उड़ जाएगा। टूट जाता है। ठीक है, अब इसके इस प्रॉपर्टीज का कि इससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए, सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है सर्किट में, कि अब ये बोला गया कि हमें यहां से यहां 10 वोल्ट और 4 एम्पियर की करंट पार होनी चाहिए, यानी 40 वॉट की करंट पार होनी चाहिए। मान लो कितना, 40 40। हाँ, यहां से यहां के बीच में एक साइड से दूसरे साइड केवल 40 वॉट करंट पार होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी भी आपको पता है कि दूसरे साइड, मान लो हम कह रहे हैं एक रस्सी का पुल है जिसमें से एक साइड से दूसरे साइड 2 लोग पार होने चाहिए, तो वो इस तरीके से होता है। नॉर्मल डेज में उस पुल पे मान लो हर 5 मिनट में 2 लोग ही पार होते हैं। कितने लोग? हर 5 मिनट में 2 लोग उस रस्सी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लो सुमित एक साइड के गांव में रहता है, दूसरे साइड गया, उसका शुभम से कोई पंगा हो गया, ठीक है, तो सुमित तुरंत अपने जानने वाले, अपने घर वालों को फोन कर देगा कि अरे पास वाले गांव में मैं आया हूं, यहाँ पे मेरा पंगा हो गया, जल्दी से फटाफट, और अपने दोस्तों को बोलेगा फटाफट जल्दी आ जाओ, बात बिगड़ रही है ना। तो जो पुल है जहां हर मतलब 5 मिनट में 2 लोग पार हो रहे थे, वहां पे स्पीड बढ़ जाएगी लोगों के पार होने की, बढ़ेगी कि नहीं उस बढ़ पुल से होकर के? हाँ, जाएगी सर। हाँ, पुल ज्यादा लोग जाने की कोशिश करने लगेंगे और ओवरफ्लो होने लगेगा, यानी कि ज्यादा आदमी एक पुल से, यानी कई बार 2 की जगह 3 का भी ट्राई करेंगे, यार जल्दी करो, जो होगा देखा जाएगा, होता है ना ऐसा। जी तो ऐसी कर सिचुएशन एराइज होगी कि हो सकता है पुल टूट जाए। क्या होगा? जाएगा, पुल टूट टूट जाए, जाएगा।
अब इस बात का बेनिफिट भी होता है, इस बात का क्या होता है, बेनिफिट हाँ इस बात का बेनिफिट ये होता है कि आगे सुमित के गांव से शुभम के गांव में ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे, तो वहां दो या चार लोग अगर पहुंचे रहेंगे तो दो चार लोग ही लड़ाई करेंगे और उतने में जी, ही बात क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। शांत हो जितना जाएगी। ज्यादा क्राउड पहुंचेगा उतना ज्यादा लड़ाई होगी कि नहीं होगी, उतना जी ये तो ज्यादा रहता ही है, नुकसान होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान। यही कारण है कि देखिए जब कभी किसी शहर में दंगे फसाद होते हैं तो आउटसाइड से आने वाले जितने भी रास्ते होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बंद कर्फ्यू कर लगा दिया दिया जाता है। जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए फ्यूज को एफ से डिनो एस एस इसका फ्यूज, वैसे हम कैसा चल रहा है आज, ये भी आजाद हो गया मेरा मार्कर, अपनी मर्जी से चल रहा है। फ्यूज फ्यूज को एफ से डिनोट करना है, किसे, एफ से या पी एफ से, एफ या पी एफ। और इसका जो सिंबल होता है ऐसे वेव बनाता है, ऐसे वेव और ऐसे ऊपर बॉक्स। ठीक है, और इसका काम है जैसे ये एक ट्रैक है और ये दूसरा ट्रैक है, इसको जोड़ने का काम करना, इसको क्या करना है, जोड़ने हाँ इसने जोड़ दिया, दो डिफरेंट ट्रैक को जोड़ने का काम करेगा, जोड़ने के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। मान लो इस फ्यूज की क्षमता है 20 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है, और इधर रिक्वायरमेंट भी ऐसे ही है, समझ लो मैक्सिमम 18 वोल्ट 4 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है या मैक्सिमम 20 वोल्ट 5 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा करंट जाएगी तो नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, होता क्या है, करंट के सोर्स, अब ये सोर्स है करंट, करंट का सोर्स किसका, अब ये करंट का सोर्स ऐसा है कि इसकी क्षमता है 24 वोल्ट 10 एम्पियर तक की, कितनी एम्पियर की, 24 वोल्ट 10 एम्पीयर। हाँ, लेकिन एक चीज आपको पता है कि लोड के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो करता है, अब इसमें से निकलेगा, निकल सकता है मैक्सिमम आउटपुट 24 वोल्ट 10 एम्पियर, कितना निकल सकता है, 24 वोल्ट 10 एम्पीयर। 10 एम्पियर। अब आप समझ लो ये आदमी हो, ठीक है, करंट ही है ना, जी या इधर लोड क्या होता है, लोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोड या रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, 20 25 कितना हो गया, 100, रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 वॉट, कितनी वॉट, सो वाट और इधर कितना है, 24 10 में 240 वॉट। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, केवल 100 वॉट यूज होगा, यानी करंट सोर्स से लोड की तरफ केवल 100 वॉट की करंट फ्लो करेगी। क्लियर बात जी समझ आए, जी क्लासिक कंप्यूटेक किसका नाम है, मेरा नाम हाँ अक्षय सर, हाँ मेरा नाम अक्षय दास है सर। ओके मैं अक्षय अभी जी, जी ये बात हाँ आपको समझ आ रही है, जी सर। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, वहां टेबल पे खाना रखा होता है ढेर सारा, लेकिन आप उतना ही अपनी प्लेट में लेते हैं जितनी आप कंज्यूम कर सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं, है ना, जी हाँ, और किसी
गड़बड़ सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार होता है आदमी की तबीयत खराब होती है तब भी कम खाने लगता है या ज्यादा खाने लगता है। कई बार शर्मा जी दो बॉटल गटक लेते हैं तो चार रोटियों की जगह आठ रोटियां उठाने लगते हैं, तो मामला होता है ना ऐसा। एबनॉर्मल सिचुएशन हुई, क्या हुई? abnormal हाँ situation. शर्मा जी वैसे कह रहे हैं, मैं तो पीता नहीं यार सर, मैं तो ऐसे ही शर्मा हूं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ? कोई बात नहीं, तो ये है एबनॉर्मल सिचुएशन में आदमी का कंजम्पशन चेंज हो जाता है ना। या आप ज्यादा मेहनत का काम कर दो तब भी उस दिन देखोगे आपकी डाइट बढ़ जाएगी, नॉर्मल डाइट से ज्यादा हो जाती है। तो ये जो चीजें है ना, करंट फ्लो हमेशा लोड के अकॉर्डेंस होता है। किसके अकॉर्डेंस? लोड के अकॉर्डेंस। अब मान लो होता क्या है, अब इधर लोड लगा हुआ है, जो भी चीज लगी हुई है यहाँ पे, आईसी लगी है, कोई मशीनरी लगी है, कुछ भी लगाई है, लोड है, ठीक है। अब इस लोड के साथ एक पॉइंट ग्राउंड भी होगा, क्या होगा? ग्राउंड ग्राउंड है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है सुमित जी। जी हाँ हाँ, अब अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाए, मान लो ग्राउंड, तो ग्राउंड में कितने वॉट की करंट जा सकती है? तभी अनलिमिटेड, जा अपने अंदर अनलिमिटेड करंट ये खींच सकता है। कितना खींच सकता है? लिमिटेड अनलिमिटेड खींच सकता है, लेकिन करंट सोर्स कितने वॉट का है? 240 वॉट. 240 वॉट का। तो ये क्या करेगा, तुरंत इसको क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा? तुरंत खींचेगा. हाँ, तुरंत पुल करेगा। ये 240 वॉट का, नॉर्मल सिचुएशन में कितना जा रही थी? केवल 100 वॉट, 200 वॉट. है ना। नॉर्मल सिचुएशन में केवल 100 वॉट जा रही थी, या नॉर्मल सिचुएशन में केवल पांच पांच करंट जा रही थी, 5 एम्पियर, एक एक आदमी मतलब 1 एम्पियर, ठीक है। इस पे पांच लोग जा सकते थे, दो तीन चार पांच, ठीक है। ये पुल और इधर अंदर की तरफ पांच लोग पहुंच रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो नहीं हो रहा। लेकिन जो ही लड़ाई हो गई, नॉर्मल नेचर में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अगर ये पांच लोग इधर आए काम करने के लिए, लेकिन इस लोड जो ये आईसी दूसरा क्षेत्र है, यहां पर इनकी लड़ाई हो गई, क्या हो गई? तो ये गई. तुरंत कॉल करके इसके, ये जहां से पांच लोग आए हैं वहां पे 10 लोग हैं कम से कम। कितने लोग हैं? दस लोग लोग हैं, और जिनकी ताकत यहाँ पे हमें केवल ये 20 नॉर्मल है, अब यहाँ 24 वोट, यानी कि 50-50 केजी के लोग आए होंगे, उनसे ताकतवर भी लोग के पीछे पड़े हैं उसके गांव में। तुरंत ये पांच लोग कॉल कर देते हैं इनको, 24 वोल्ट 10 एम्पियर में जितने सबको। तो होगा क्या, जो ही शॉर्ट सर्किट होता है, इधर से कॉल हो जाती कि भाई जल्दी आ जाओ, लड़ाई हो गई, क्या हो गई? तो अब यहां से बाकी हेलो. करंट भी फ्लो करने लगेगा, यहाँ आगे की तरफ सपोर्ट करने के लिए भागे, या लड़ाई करने के लिए, क्या करने के लिए ये कोशिश करेंगे यहां पे आने की, और ये तेजी से फ्लो बढ़ेगा, क्या होगा? लो बढ़िया. अब इस फ्यूज की, इस झूले की, इस पुल की क्षमता कितने लोगों को लोड लेने की है? पांच लोगों की। अब यहां पे कितने लोग आ गए? दस दस लोग। इवन वेट भी मैक्सिमम 20, यहाँ 24-24 केजी के भी लोग आ गए, है ना, यस वेट के। ब्रेक तो होगा क्या, ये पुल ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रेक ये पुल ब्रेक हो जाएगा, और इधर अंदर की तरफ ओवर करंट फ्लो नहीं होगी। अगर ओवर करंट आ जाए, ज्यादा लोग अंदर आ जाएं, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा तबाही होगी कि नहीं होगी? जी क्लियर? हाँ. तो फ्यूज का काम क्या है, अपने में से होकर एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो होने
से रोकना या उसमें से होकर जो ही ज्यादा करंट फ्लो होती है फ्यूज पाथ को ओपन कर देता है, यानी खुद बर्न हो जाता है, जिससे दोनों ट्रैक वापस से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्लियर समझ आया? हर फ्यूज में से हर फ्यूज में एक क्षमता होती है कि उतने वोल्ट की, मान लो इस फ्यूज की क्षमता 20 वोल्ट 5 एम्पियर, तो 20 वोल्ट के साथ मैक्सिमम 5 एम्पियर की करंट पास हो सकती है, 20 वोल्ट 6 एम्पियर आते ही ये आउट का क्या, ये क्या हो जाएगा, फ्यूज ओपन हो जाएगा, या 24 वोल्ट 5 एम्पियर आने पे भी वोल्टेज बढ़ गया तब भी ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी जितना इसकी लिफ्ट, लिफ्ट में जैसे हम लोग पहुंचते हैं ना, आपने बिल्डिंग्स में भी लिफ्ट में देखा होगा कि 13 आदमी, हमारे लिफ्ट की कैपेसिटी 13 आदमी या लिखा हुआ है 300 केजी ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही टोटल वेट मैच करना चाहिए, तो अगर उससे वेट से ज्यादा होगा तो वो लिफ्ट खड़ी हो जाती है, क्यों, क्योंकि टूटने का डर होता है, या उससे ज्यादा जबरदस्ती चले तो लिफ्ट टूट जाती है, ओवरलोड। तो ऐसे ही फ्यूज में से होकर ओवर करेंट फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ये फ्यूज ऐसा है कि ये जल्दी ब्लो भी नहीं होता कई बार, हालांकि इसको ब्लो कर जाना, एयर वाला तो खराब हो जाता है, मैकबुक प्रो में कई बार देखा, नहीं भी खराब होता तो आगे चीजें जल जाती हैं, और ये वैसे ही है, हालांकि कई बहुत बार हम लोगों को ये फ्यूज खराब मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे 8.6 वोल्ट 8.5 वोल्ट आती है, दूसरे साइड पार होना है इसको, इस ये मॉस्फेट है, ठीक है, इसमें से पावर आकर के इस साइड पार होती है, फिर यहां से पावर जानी होती है इस डायोड पे, कहाँ, इस डायोड पे, और फिर यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में वो 8 वोल्ट 3 गुना में कन्वर्ट हो जाती है, कितने में, 8.5 वोल्ट होती है, लगभग 3 गुने में कन्वर्ट हो जाती है, 24 से 25 वोल्ट, यहाँ पे जब 25 वोल्ट आता है तभी स्क्रीन पे लाइट आएगी, अन्यथा लाइट नहीं आएगी। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है सुमित, स्क्रीन कनेक्टर जब आप कनेक्ट करोगे, स्क्रीन यहाँ कनेक्ट रहेगी तभी ये मॉस्फेट इनेबल होगा, ये भी याद रखना, ठीक, तो क्या होगा, यहां से 8.5 वोल्ट निकल करके इस जीनर डायोड पे आनी चाहिए, अगर केवल 8.5 वोल्ट आएगी तो डिम डिस्प्ले आएगा, क्या आएगा, डिम डिस्प्ले। अब यहां से 8 वोल्ट को 24 से 25 वोल्ट में कन्वर्ट करना, बूस्ट करना है, क्या करना है, बूस्ट, और वो बूस्ट करने का काम इसके पीछे एक लगी हुई है आईसी, इसको बोलते हैं लाइट आईसी, इसके जस्ट पीछे लगी है, ठीक, ये छोटी सी आईसी है, इसका काम होता है सप्लाई को बूस्ट करना, ठीक है, वो 8.5 वोल्ट की जो पावर है उसको 25 वोल्ट में कन्वर्ट कराती है, कितने वोल्ट में, 25 वोल्ट। अगर आपको एक चीज याद रखना, अगर तुम, और दूसरा ये जीनर डायोड भी कई बार शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होने का मतलब देखो क्या होता है, अगर वाटर प्योरीफायर आपका डायरेक्ट हो जाता है तो पानी बिना फिल्टर किए आएगा, क्या होगा, और अगर पानी बिना फिल्टर किए आएगा तो जो ही आप पीते हैं तो आपको पता चल जाता है, और उसको किसी और को नहीं सर्व करेंगे, ऐसे ही अगर कोई करंट मदरबोर्ड में किसी कंपोनेंट से होकर के गुजरती है, अगर वो कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, अगर वो डायरेक्ट हो गया है, तो उस कंपोनेंट के द्वारा जो फिल्ट्रेशन का काम होना चाहिए था वो फिल्ट्रेशन वाला काम नहीं हो पाता है, अब जब वो फिल्ट्रेशन वाला काम नहीं होगा तो ये आईसी उस चीज को सेंस कर लेती है, आईसी क्या कर लेती है, उस 8.5 वोल्ट को जो ही पिएगी तुरंत इसको पता चल जाएगा कि यार ये तो फिल्टर ही नहीं है, अब इसको 25 वोल्ट में कन्वर्ट करके बूस्ट करके मैं बाकी लोगों को कैसे दूं। तो कई बार ऐसा भी होता है शर्मा जी कि अगर आपका डायोड ये केवल डायरेक्ट हो गया हो, क्या हो गया हो,
ये डायोड डायरेक्ट भी हो गया होता है ना, लोग क्या करते हैं जनरली यहाँ पे 8.5 वोल्ट चेक करना है, यहाँ आ रहा है तो चीजों को चेक नहीं करते हैं, नहीं यहाँ आ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन क्या फिल्टर हो करके क्या कंपोनेंट का सही काम होते हुए सही तरीके से पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरूरी है, समझ रहे नहीं। जैसे देखा अब पाकिस्तान में अगर आपको जाना है तो आपको पासपोर्ट लेकर के वीजा लेकर के जाना होगा, तारों के नीचे से जाएंगे डायरेक्ट तो आपको थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, आप बजरंगी भाईजान थोड़ी हो, है ना। हाँ, दाखिल होने से नहीं, वैसे ही यहाँ पर आपको याद रखना है, चाहे आप वाटर प्योरीफायर फिल्टर में आप देखो कि अगर फिल्टर है कई बार वो काम करना बंद कर देते हो, पानी जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट हो जाता है, पानी फिल्टर ही नहीं हो रहा होता है, जो ही आप पीते हैं आपको पता चल जाता है, मुझे तो भाई पता चल जाता है पानी का टेस्ट, ठीक है जी पानी फिल्टर है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर है, इन कंपोनेंट में से जो करंट पार हो रही है वो प्रॉपर वे में पार होनी चाहिए, यानी उस कंपोनेंट के द्वारा जो फिल्ट्रेशन का काम होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई आईसी उस करंट को कंज्यूम करेगी, तुरंत उसको पता चल जाएगा कि भाई ये तो बिना फिल्टर किए आ गई है पानी, इसको मुझे दूसरे को नहीं पहुंचाना, या इसको मैं बूस्ट करने के लिए रेडी नहीं हूं। ऐसे याद रखना आपको कि कभी भी ये डायरेक्ट इधर पार नहीं करना चाहिए, बहुत बार ये केवल डायोड डायरेक्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, सप्लाई बूस्ट नहीं होती। दूसरा कई बार ये होता है कि अगर मान लो इसमें से 8.6 वोल्ट नॉर्मल सिचुएशन में 5 एम्पियर की करंट पार हो रही है और ये कैपेसिटर लीकेज है या शॉर्ट है, तो ये क्या करेंगे तेजी से करंट खींचेंगे, क्या करेंगे, अब तेजी से करंट खींचेंगे तो एम्पियर ज्यादा हो गया, और जब एम्पियर ज्यादा हो जाएगा तब भी आईसी इस बात को मान लेगी, पता चल जाएगा इसको कि भाई ये तो ओवर स्पीड से पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, उसको भी बूस्ट नहीं करती है, तो डिम डिस्प्ले की ये रीजंस होते हैं सुमित, ठीक है। डिम डिस्प्ले का रीजन कई बार यहां पे बिल्कुल वोल्टेज नहीं आता है, ठीक है, यहां पे बिल्कुल वोल्टेज नहीं आता, 8 वोल्ट भी नहीं पहुंचती, अगर 8 वोल्ट भी नहीं पहुंच रही है तो या तो ये फ्यूज खराब है या तो ये मॉस्फेट खराब है, समझा। हाँ, अगर 8 वोल्ट पहुंच रही है यहां तक तो इसका मतलब ये फ्यूज और मॉस्फेट तो ठीक है, और ये 8 वोल्ट तभी पहुंचेगी जब आप स्क्रीन लगाओगे शर्मा जी, कई बार लोग बिना स्क्रीन लगाए चेक करते हैं, नहीं होता तो इस मॉस्फेट को डायरेक्ट कर देते हैं, ये पीने आपस में चिपका देते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीन लगाने के बावजूद ये मॉस्फेट नहीं काम कर रहा है तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट करके आप इस डायोड तक पहुंचाइए पावर, इस डायोड से फिर पावर इधर आनी चाहिए, और ये डायरेक्ट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और ये वो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होने चाहिए, लीकेज या शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ 8.6 वोल्ट केवल आ रही है तो ये वाली आईसी हमेशा क्या करती है, बूस्ट करती है, ये वाली आईसी आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। इनमें यहाँ 5 वोल्ट जाता है या बूस्ट, ये बूस्ट के, ये जो लाइन है ना पिन नंबर 1 2, ये वाला ट्रैक अक्सर बर्न कर जाता है, इसके पास ये 5 वोल्ट की लाइन भी बर्न कर जाती है, ये वाली लाइन ये जो दिख रहा है ना, ये लिक्विड डैमेज होता क्या है, ये बोर्ड का किनारा है, क्या है, तो मॉइस्चर वगैरह किनारे किनारे पकड़ता है, क्या होता है, अब किनारे पे इस एरिया पे मॉइस्चर आता है और ये डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम में आ जाता है, अक्सर ये देखा गया। चलो आगे भी चलेंगे देखेंगे, इसका जितना किनारे वाला नो डिस्प्ले इस एरिया में बहुत सारा, ये एकदम बॉर्डर पे है, इस एरिया में डस्ट आते ही, इस एरिया में डस्ट आएगा तो नो डिस्प्ले, इस एरिया में डस्ट आ जाएगा तो नो पावर में चला जाता है शर्मा जी। ऐसे ही आगे यहां पर है, इस वाले इस दोनों एरिया में आएगा तो 300 350 के लोड पे आपका मशीन रुक जाएगी, ये हार्डवेयर पावर गुड और कोर वाला इसके बाद ही बनता है, मतलब ये हार्डवेयर पावर गुड सिस्टम पावर ओके का सिग्नल इस लॉजिक गेट से, ये हार्डवेयर पावर गुड के लिए आईसी लगे हुए हैं,
ये वाले एरिया में डैमेज होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे एक क्रिस्टल है, पीसीएच का क्रिस्टल, लैपटॉप ऑन होते तुरंत बंद हो जा रहा है, या ऑन हो रहा है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो ये इस वाले एरिया में भी डैमेज होता है। ये इसका किनारे किनारे, मदरबोर्ड के किनारे किनारे, ये एकदम बॉर्डर वाला पोर्शन है, इस वाले एरिया में बहुत सारा क्या होता है, मॉइस्चर आ मॉइस्चर जाता है, और उस मॉइस्चर के वजह से पर्टिकुलर एक एक अलग अलग प्रॉब्लम्स इसमें जनरेट हो जाती है। खैर, हम पढ़ रहे थे फ्यूज के बारे में, किसके बारे में? के अब ये फ्यूज इसलिए ज्यादा याद रहता है या ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये फ्यूज अगर आपको पता हो कि डिम डिस्प्ले आ रहा है तो फट से जाते हैं फ्यूज चेक करने, 10 डिम डिस्प्ले आ रहा है तो 4 में या 3 में ये फ्यूज खराब होता है, 4 में या 3 में अगर ये फ्यूज खराब है, और ये फ्यूज एक बार में आपको 50 पैसे का फ्यूज अगर आपको 5,000 दे तो आप भूलेंगे इसको? नहीं हाँ, तो इसको याद रखना है। दूसरी ये वाली LP8850 करके इसकी IC का नंबर होता है, ठीक है, ये ढाई साढ़े भी तीन बहुत सौ खराब रुपये है। की, ये 350 रुपये की IC अगर 5,500 आपको दिलाए तो आप इसको भूलेंगे? हाँ, तो इसको याद रखना है। शर्मा जी, सुमित, जी यही वो IC है जो तो याद है, आपको 5,000 दिलाएगी डिम डिस्प्ले में। ये आईसी बहुत ज्यादा खराब भी होती है। अब हाँ बहुत खराब होती है सुमित। बिल्कुल, मंगा रखी है मैंने तो। हाँ, मंगा रखी है, हाँ अच्छा है। फ्यूज का काम समझ आया? ठीक है। लेनोवो थिंकपैड और कॉमर्शियल में भी बहुत सारे लैपटॉप्स में आपको ये मिलेगा देखने को, फ्यूज। हेलो, हाँ जी, सर माइक बंद। इस तरीके के फ्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे चपटे कलर में, वाइट, ये F लिखा, ब्लैक कलर में ऐसा दिखेगा, एक और वाइट कलर का, जैसे ये वाइट है ना, ये भी फ्यूज में है, ऐसे भी फ्यूज आते हैं, ठीक है, देखो F लिखा हुआ है। और मैकबुक में एक फ्यूज और है जो बहुत पसंद है, देखो यहाँ पे वाइट कलर का, कहाँ गया भैया, छिप क्यों रहा है, ये दिख रहा है, जी कॉइल के नीचे लगा रहता है। हाँ, ये चार्जिंग कॉयल होती है, या पूरे मदरबोर्ड की में 8.5 वोल्ट यहीं से ट्रेवल करती है, ठीक है, ये इस कॉयल पे यहाँ 8.5 वोल्ट बन करके इधर आया और इधर से चली जाती इधर बैटरी को चार्ज करने के लिए इस मॉस्फेट से होते हुए, और यहीं से फिर घूम करके इस फ्यूज में जाती है सप्लाई, और ये फ्यूज से निकल करके इधर आती है। अब यहां से 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, रैम सेक्शन 1.0 वोल्ट, 0.5 का, पीसीएच का, सारे सेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो 8.5 वोल्ट और लगभग 5 से 7 एम्पियर, जो भी लिमिटेड करंट है, उतनी एम्पियर की करंट इसमें से होकर के पार होती है। और होता क्या है सुमित, अक्सर 19 मतलब जो 14.5 वोल्ट या 15 वोल्ट की मेन लाइन कई बार शॉर्ट हो जाती है, तो होता क्या है, ये फ्यूज खराब हो जाता है, इसके एक साइड पे लोग क्या करते हैं, अक्सर चेक करते हैं केवल यहाँ पे, शर्मा जी यहाँ पे चेक किया, 8.5 वोल्ट आ रही है, दैट्स ओके, उसके बाद चेक करने लगते हैं आगे, लेकिन होता क्या, 8.5 वोल्ट होकर के पार होना इस फ्यूज से है, और आपको चेक करना चाहिए यहाँ के साथ साथ यहाँ पर इनपुट, और यहाँ पे चेक करिए 8.5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस फ्यूज के दोनों साइड। दोनों सही। बहुत बार सुमित हमने रिसीव किया है कि इस साइड वोल्टेज आ रहा है लेकिन इस साइड वोल्टेज नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? जी
और इस साइड जब वोल्टेज नहीं आ रहा होता तो चेहरे पे खूब अच्छी सी मुस्कुराहट आती है और पैसे आने वाले होते हैं। मिल गया मुर्गा। हाँ ठीक है, तो ये फ्यूज खराब होता है, ये फ्यूज है क्या है, और क्यों खराब होता है ये भी रीजन। एक चीज और याद रखना है, जब कोई फ्यूज ओपन हो तो आपको उसका रीजन ढूंढना है कि क्यों खराब हुआ, तुरंत फ्यूज नहीं बदलना है। जी हाँ होता क्या है, आगे आउटपुट में शॉर्टिंग होती है। क्या होती है, जैसे सीपीयू के पास देखो जितने ये कैपेसिटर है ना, AV7 न्यू नेन NEN AV7 NEN AV7 लिखे है ना, जी हाँ ये सारे के सारे 8.5 वोल्ट पे लगे हैं। इतना ही नहीं देखो इधर की तरफ भी लगे हुए हैं, AV7 NEN AV7 NEN AV7 NEN दिख रहा है। जी हाँ इनमें से कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए ना तो उसका इफेक्ट इस फ्यूज पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, हाँ इफेक्ट। इनमें से कोई भी शॉर्ट होगा, फ्यूज में से ओवर करंट तेजी से फ्लो होने लगेगा और फ्यूज ओपन हो जाएगा और फ्यूज खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। तो अब पहले आपको ये देखना है कि आउटपुट में कंपोनेंट कौन सा खराब है जिसकी वजह से इसमें से तेजी से करंट खींची गई है और उस करंट के वजह से ये फ्यूज ओपन हुआ। जैसे लड़ाई हुई इस वजह से पुल पे से ज्यादा लोग भागने की कोशिश किए, पार करने की कोशिश किए, ठीक है। होता क्या, जिधर भी शॉर्ट सर्किट होता है ना तेजी से उधर करंट, जिधर भी लड़ाई होती तेजी से पब्लिक उधर की तरफ ट्रेवल क्या करती है, भागती मूव करती है, भागती है उधर की तरफ, भीड़ इकट्ठा होने लगती है ना। और जितना ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी ना, लड़ाई होने के चांसेस या नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दो लोग जो ही शांत रहते तब तक पीछे से बोलते, अरे मैं होता तो जाले को अब तक तो भोड़ दिया होता मुंडी नीचे करके नहीं इसको है? उसमें क्या करते हैं लोग, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, है ना। तो किसी को बॉस की गाली पड़ी रहती है तो वो भी अपना गुस्सा यहीं उतार देता है, किसी को मिसेस की गाली पड़ी रहती है तो वो भी अपना गुस्सा यहीं उतारता है, मतलब सारे लोग सब लोगों को मौका मिल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा, और जितना ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होगी उतना ज्यादा गर्मी गर्मा, उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी और उतना ज्यादा नुकसान होगा। ये रियल लाइफ में भी होता है और यही सर्किट में भी होता है, ठीक है। तो अगर कोई फ्यूज ब्लो किया है तो पहले ये पता करो कि वो फ्यूज क्यों ओपन हुआ है, क्यों वो बर्न किया है, उस सब चीज को क्या पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद नया फ्यूज लगाओ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर और एक बात सर, जी सर क्या है कि जैसे आपने बोले कि फ्यूज ओपन होगा तो आउटपुट से कुछ प्रॉब्लम होगा तो फ्यूज ओपन होगा, तो आपने बोले कि सर जो ये टेम्पटेलन कैपेसिटर जो जैसे ही ज्यादा से ज्यादा है तो हम ऐसा पता कर सकते हैं कोई मतलब पर्टिकुलर कैपेसिटर खराब है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल पता चले, आगे पढ़ाएंगे मैनुअल करंट इंजेक्ट करके, जी मैनुअली हम डीसी पावर सप्लाई से यहाँ करंट इंजेक्ट करेंगे, जी जो ही जो खराब होगा वो ज्यादा ओवरहीट होगा। ओके सर दूसरा मैनुअली डाल करके बहुत ही बेसिक डिवाइस आती है, मतलब एक बहुत बेहतरीन डिवाइस आती है, थर्मल कैमरा, जो ही डालेंगे उसके नीचे रखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये वाला कैपेसिटर खराब हो रहा है। आपके सवाल का जवाब आप अच्छे से और देखना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप जाइएगा वीडियो पे, हमारे masterdinesh.com वेबसाइट देखा आप लोगों ने, जी ठीक है। उसमें ना हमने एक सेकेंड, थर्मल कैमरा टूल्स में ब्लॉगिंग की है ना हमने, ये ब्लॉग, इसमें देखो कैमरा है, थर्मल कैमरा, इस पे क्लिक करो और पहले ऐड देखो स्किप स्किप नहीं करना है, मैं स्किप कर दे रहा हूं। देखो देखो यहीं पे चेक कर रहे हैं हम, बताना है।
और यहाँ पर देखिए ड्रॉप हो रहा है, टूट वोल्टेज ड्रॉप हो जाता देखिए सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया हमने, ठीक है। हाँ ये मतलब अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे जो है। हाँ कंट्रोल है उस डिवाइस की साइड जानते हैं देखिए अब इसी साइड पे ना हम जो ही सप्लाई डालेंगे, देखिए हमारा क्या गर्म हो रहा दिख रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है वो जल गर्म होने लगा दिख रहा है। तो ये टूल्स की मदद से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल तरीके हैं पता करने के। जी सुमित, कितना हाँ आसान हो गया ना प्रॉब्लम ढूंढना। जी हाँ हाँ जी सर, जी हाँ हाँ जी सर, मतलब ऐसे बाई कई बार केस आते हैं और मतलब 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर ये केस ऐसे रिजॉल्व हो जाते हैं। 5 मिनट तो समझ लो नॉर्मल एकदम आराम से कर रहे तो भी पता चल गया कि हाँ ये शॉर्टिंग है, बस वहां थर्मल कैमरा है, शॉर्ट किलर है, पावर डाला, तुरंत गर्म हुआ, निकाला, दूसरा लगाया, बात खत्म। तो वो कॉन्सेप्ट पता होगा, पूरा थ्योरी पहले पता होना चाहिए, फिर टूल्स की मदद से और थ्योरी के माध्यम से रिपेयर करना सीख आसान होता लाइफ, ठीक है। ये हर एक चीज बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी हमने बोला कि हाँ पहले पता करेंगे क्या शॉर्टिंग है, उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद फ्यूज लगाएं, ये तो हम अभी बता रहे हुआ आगे चल करके ये चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर फ्यूज, अब कई बार ये फ्यूज बीप तो कर रहा होता फिर भी खराब होता है, ये फ्यूज अलग टाइप का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बनाने। ठीक है, लेनोवो थिंक पैड में भी छोटे छोटे फ्यूज आते हैं, बहुत सारे लेनोवो होते हैं, बहुत सारे फ्यूज लग रहे बहुत थे। सारे होते हैं, हर एरिया में फ्यूज लगा होता है, और वो फ्यूज भी क्या होता है खराब होते हैं, उसमें 19 वोल्ट के सेक्शन में स्टार्टिंग में ही फ्यूज लगा होता है, या कोर सेक्शन को 19 वोल्ट जा रहा तो उसके बीच में फ्यूज लगा होता है, मल्टीपल एरिया में फ्यूज लगे होते हैं, और पावर ओवर करंट कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर करंट फ्लो होने की सिचुएशन में फ्यूज ओपन हो जाता है। तो पहले शॉर्टिंग पहले खत्म करिए कि किस वजह से फ्यूज क्या हुआ है, ओपन हुआ है, जी पहले वो रीजन पता करिए, उसको पहले सॉल्व करिए, रिमूव करिए, शॉर्टिंग रिमूव करिए, उसके बाद नया फ्यूज लगाइए, ठीक है। हाँ सर, मैनुअल से वोल्टेज डाला जाता है नहीं सर? हाँ मैनुअल हम बताएंगे किस ब्लाइंड में कितना वोल्टेज डाला जाता है। जी सर, क्या नाम बताया था आपने? अक्षय, सॉरी अक्षय, अक्षय अक्षय जी, आज पहला दिन है शायद आपका। जी सर जरूर, आप रीनेम कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर को, क्लासिक कंप्यूटर की जगह आपका नाम आना चाहिए। जरूर सर, दूसरा, आप आगे चल करके ये पढ़ेंगे कि किस वोल्टेज लाइन में कितना करंट आप डाल सकते हैं, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसी वीडियो वाले पोर्शन पे जाइए, वहां पे हमने ना एक और बहुत अच्छी वीडियो डाली है शॉर्ट किलर, दिख रहा है ये, जी सर इस पे क्लिक करिए, और इसकी हर वोल्टेज लाइन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि किस वोल्टेज लाइन में कितना करंट आपको मैक्सिमम डालना चाहिए। ये कौन है? समझ रहे हैं? ये कोई होगा, Have you ever wondered how stock trading apps ऐड देखना जरूरी है सर, ऐड देखना जरूरी है। इसी से तो आपको इनकम आएगी, इसी से तो इनकम आएगी। हाँ इनकम ये नहीं डालेंगे तुम्हारी वीडियो में तब तक इनकम नहीं आएगी। हाँ भाई तुम लोगों को अभी अभी ऐड देखोगे तो मुझे इनकम आएगी, और मेरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें इनकम आएगी, ठीक है। हाँ तो दोनों को फोकस करना है, ये नहीं कि अपने बारे में सोचना, मेरे बारे में भी सोचना। जी।
तो इस वीडियो को आप देखेंगे ना तो आपको उस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि किस वोल्टेज लाइन में शर्मा जी कितनी एम्पियर डालनी चाहिए। हाँ, देखा है सर मैंने। और बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ ये अभी मैंने पूछा था आपसे शॉर्ट फिल्म के बारे में। हाँ लोग ये चीजें किसी को अगर पता भी होता तो एक्सप्लेन नहीं करते या बताते नहीं है, या हम लोगों की इंडस्ट्री में लोगों को नहीं पता था। ये मोबाइल वाले जानते हैं, मोबाइल वाले जो रिपेयरिंग करते हैं ना वो इन चीजों को सीखे होते हैं, या वो उनका मैक्सिमम काम ज्यादातर वो रटे रटाए वो चाइना वाले की वेबसाइटों पे ना दिया गया होता कि यहाँ पे इतना डालो, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, लेकिन मैग हम लोगों के रिपेयरिंग में उतना हेल्प नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो चीजें रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। और अक्षय, ये सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, हमारी वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं, बशर्ते ये नहीं पता है कि किस टाइम पे कौन सा देखना है आपको वीडियो। अभी बस आपको यही पता नहीं है, समझ रहे कि नहीं, और कब कौन सी चीज देखनी चाहिए कब कौन सी चीज नहीं देखनी है वो हम आपको लगातार बताते चलेंगे कि अब वो टाइम है कि आप ये वाली वीडियो देखिए, अब ये वो टाइम है कि इस वाली वीडियो को आप देखिए। प्रैक्टिकल चीजें हमने वहां डाल रखा है और थियोरेटिकल चीजें उसको समझने लायक पहले आपको बनाते हैं कि आपको वो देखकर समझ कब आएगा जी। वो थियोरेटिकल क्लास है, थियोरेटिकल क्लासेस यूट्यूब पे नहीं पड़ी है, सारी की सारी केस स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्व क्या दिया डाला गया है, प्रैक्टिकल है। हाँ प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल तब तक पॉसिबल समझ नहीं आएगा जब तक पूरी की पूरी थियोरेटिकल नॉलेज आपको ना हो। ठीक है जी। चलिए अब आपको केवल हम लोग जब जब जो चीजें देखने के लिए बोलेंगे तभी आपको देखना है। हाँ टूल्स की सारी चीजें देख सकते हैं, टूल्स की ये सारी वीडियोस देखना है, बाकी सारे लोगों को हमने बोल दिया कि इसको देखना है। ठीक है, आई होप आज जो क्लास में पढ़ाए बिल्कुल समझ आया होगा। हाँ जी सभी लोगों को जी सर। ठीक है, फ्यूज को चेक करने का तरीका क्या है भाई, फ्यूज का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम होता है, क्या होता है 0 ओम। तो फ्यूज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप रेंज में लगाइए और सीधे सीधे आप क्या चेक करेंगे, फ्यूज के दोनों सिरों पे आप रखते ही मल्टीमीटर के प्रॉब क्या बताना चाहिए, वो बीप करना चाहिए। देखो मल्टीमीटर के दोनों मतलब फ्यूज के दोनों सिरों पे मल्टीमीटर का दोनों प्रॉब रखा, 0 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मल्टीमीटर दिख रहा है मेरे चेहरे की जगह अब जी। हाँ हाँ जी ठीक है, और ऐसे ही यहां पर जो फ्यूज है ये भी ये क्या करना चाहिए, बीप करना चाहिए। ठीक, ऐसे मदरबोर्ड में मल्टीपल जगहों पे फ्यूज होते हैं और उन फ्यूज को आप चेक कर सकते हैं बीप रेंज में, एक जंपर वायर की तरह ही है। पता कई बार फ्यूज के जगह आप जंपर वायर लगा देते हैं, क्या लगाते हैं तो बस पता है क्या फर्क होता है फ्यूज और जंपर वायर में, जंपर वायर अगर वोल्टेज ज्यादा जाएगी तो उड़ा देगा वो सब। एक्चुअली क्या है सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, हो जाती है मतलब फ्यूज में ये था कि भाई इससे ज्यादा करंट पार नहीं होने देंगे जी। है ना जी। लेकिन जो जंपर वायर है उसमें वो आपको पता ही नहीं है कि उसमें से होकर 10 एम्पियर करंट पार हो सकती है कि 15 एम्पियर पार हो सकती है ना। जितना मान लो आपने 5 एम्पियर वाले के जगह पे 15 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तब तो 24 वोल्ट पूरा का पूरा 10 एम्पियर अंदर घुस जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा अंदर तबाही ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, चीजें जल जाती। ठीक है, हाँ अगर नहीं कुछ मिलता है और कस्टमर पैनिक कर रहा है कि भाई जल्दी बना करके दो जल्दी बना करके दो, तब तो भाई जंपर मार के दे ही देते कि जा भैया तुझे ही रिस्क, अब हमारा रिस्क थोड़ा, फिर जब उड़ेगा तब ज्यादा पैसा देगा और क्या करेगा। ये देखो फ्यूज है लिखा ना फ्यूज 6000। ठीक है जी। बीप कर रहा है 0। ठीक है इसका भी
यहाँ बैटरी लाइन में भी ये फ्यूज लगा, पुराने बोर्डों में फ्यूज होते थे या कॉमर्शियल सीरीज में? देखिए ठीक है, और होता है जम्पर पैड, इस तरीके से लगा होता है पैड, देखा है आप लोगों ने? एक सेकेंड, दिख रहा है ये, इसको पैड लिखा है, क्या लिखा है? पैड 6210। ये पैड क्या चीज है? ये पैड केवल इस ट्रैक को, इधर वाले ट्रैक को और इधर वाले ट्रैक को जोड़ने का काम करता है, समझ आया जी? अगर इसके ऊपर से जम्पर वा, ये जो पैड के ऊपर जो शोल्डर रखा हुआ, इसको हटा देंगे तो नीचे ये सर्किट ओपन हो जाएगी, दिखाता हूं मैं। जम्पर पैड बोलते हैं इसको, या दो ट्रैक को जोड़ने के लिए पैड का इस्तेमाल होता है, जम्पर पैड। और पैड के ऊपर जो शोल्डर वायर पेस्ट, शोल्डर वायर लगा होता है, उसको हटा दोगे तो नीचे से सर्किट ओपन हो जाएगी। मैं दिखाता हूं पैड हटा करके, देखो दिख गया, इसके बीच में ये स्पेस बन गया ना ऐसे, इधर से आते हुए जेड जैसा, यानी कि ये दो, ये ट्रैक अलग हो गया, ये ट्रैक अलग हो गया, अलग हो गया। पुराने मदरबोर्ड्स में क्या होता था, हर सेक्शन को पैड से जोड़ा गया होता था, तो सप्लाई काट काट के देख लिया जाता था कि किस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्वाइल है, यहाँ पे क्वाइल है, यहां से सप्लाई आगे जा रही है, फिर यहाँ पैड लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे पैड लगा हुआ है, इसमें इधर की तरफ यहाँ पैड लगा हुआ है, ये पैड हटाते ही ये क्वाइल से निकल के पावर जो इधर जा रही है वो जाना बंद हो जाएगी। ये ज्यादा शोल्डरिंग होती थी, अब समझ आया ये होता क्या था। देखो इसको अगर हटा देंगे तो ये कनेक्शन कट जाएगा, इस क्वाइल में से होकर के जो पावर इधर आ रही थी, इधर से होते हुए इस ट्रैक से इधर गया और इस ट्रैक से फिर इस मॉस्फेट में गया और पूरे बोर्ड में फैला, लेकिन अगर ये ट्रैक यहीं से काट देंगे तो आगे सप्लाई, इस क्वाइल की आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी, ठीक है? अब कभी क्या होता है, जैसे इस क्वाइल पे शॉर्टिंग आ रही है, इधर ये दोनों साइड बीप कर रहा है, ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है, तो अब ये देखते हैं ये आउटपुट एरिया, ये आउटपुट जोन है, अब शॉर्टिंग इधर बता रही है कि या इधर बता रही है? अगर इस साइड शॉर्टिंग बता रही है तो इधर रेगुलेटर एरिया में खराबी है, सोर्स की तरफ खराबी है, और अगर शॉर्टिंग इधर इस साइड राइट साइड बता रही है तो इसका मतलब आउटपुट में खराबी है, सोर्स वाला एरिया ठीक है, ठीक है? दो भागों में बांट लिया, एक ही ट्रैक शॉर्ट बता रहा है तो ओरिजिन में प्रॉब्लम है या लोड में प्रॉब्लम है, ये पता करने के लिए बीच से सेक्शन को क्या कर लिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है जी। ये सारी चीजें आगे भी अभी आएंगी। जम्पर पैड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जम्पर पैड। जम्पर पैड का काम होता है दो ट्रैक को आपस में जोड़ना, पीएडी पैड लिखा होता है, ठीक है, या पीजेपी लिखा होता है, क्या लिखा हो सकता है? पीजेपी, या केवल जेपी लिखा हो सकता है, जेपी, पीजेपी, जम्पर पैड, पीएडी पैड, इसका काम होता है ट्रैक को, दो ट्रैक को आपस में जोड़ना,
दो ट्रैक को आपस में मजबूती से जोड़ देना, ठीक है? हाँ, मजबूती से जोड़ देना, यहाँ पे करंट और उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, पूरा का पूरा जोड़ देना। और फ्यूज भी दो ट्रैक को जोड़ता है, लेकिन एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि ओवर करंट नहीं फ्लो होगा। क्लियर सर? ये पैड से एक सिक्योरिटी बढ़ी जाती है कि अगर कुछ गलती हो गई तो अगर हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर पैड से पैड के थ्रू चेक करेंगे तो आगे अगर प्रॉब्लम मतलब हम लोग से कोई गलती हो गई तो दूसरा कुछ कंपोनेंट ब्लो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप मान लो रेगुलेटर वाले एरिया में रिपेयर कर रहे हो, पीछे की एरिया करंट सोर्स का जो एरिया उसमें शॉर्टिंग या खराबी मिल गई, तो आप आउटपुट को जोड़ दो। कई बार ट्रांसफार्मर रिपेयर कर रहे होते हैं तो कनेक्शन काट दिया जाता है ना, कि अगर गलत जुड़ भी गया तो आगे ना प्रॉब्लम हो। तो बीच से कनेक्शन काट देने से फायदा यह होता है कि अगर आपने आईसी गलत लगा दी रिपेयरिंग के दौरान, कुछ शॉर्टिंग भी हो गई, तो वो शॉर्टिंग आगे बढ़कर के आगे की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है? चलिए, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। बाय बाय। बाय। एक डाउट है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने जो एक रजिस्टर सब्जेक्ट का एक डाउट था सर, आपने बोले कि जब वोल्टेज जा रहा है थोड़ा सा रजिस्टर एक लाइन पे लगा के थोड़ा सा रेजिस्टेंस करेगा। हाँ। अगर वहां पर हम दो सीरीज रजिस्टर लगाएंगे तो कितना मतलब वोल्टेज कंज्यूम करेगा, मतलब रेजिस्टेंस करेगा, ये थोड़ा सा ये वाली चीजें आप ध्यान से वीडियो पूरा देखना। बिना लोड के कभी नहीं पता चलता। आप ये सभी लोग यही सोचते हैं कि अगर रेजिस्टर हम बड़ा लगा देंगे तो करंट ड्रॉप हो जाए, वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा। ठीक है अक्षय जी, ऐसा नहीं होता है। हमने बोला ना कि करंट उतना ही, रेजिस्टेंस बीच में है, बैरियर है, लगाया आपने कितनी रुकावट, लेकिन वो रुकावट कितना काम करेगा ये कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? नहीं सर, मेरा मतलब है कि सर सपोज एक 5 वोल्ट एक लाइन पे 5 वोल्ट हम इनपुट किया सर। हाँ बिल्कुल, और वहां पे आप 100 किलो ओम या 200 किलो ओम का रजिस्टर बीच में लगा दिया जी। तो दूसरे सिरे पे कितना जाएगा? कितना जाएगा? पूरा 5 वोल्ट ही जाएगा। दूसरे सिरे पे करंट क्यों बहेगी? कोई बहने का रीजन होना चाहिए। वहां रजिस्टर के बाद जब तक कोई आईसी या कोई कंपोनेंट नहीं लगाएंगे तब तक करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है? नहीं समझ आया? एक टेबल पे ढेर सारी मिठाइयां रखी हुई है, ठीक है, और वहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया कि कृपया दो ही लड्डू उठाए। कितने लड्डू उठाए? दो लड्डू। दो लड्डू। अब बताओ टेबल पे रखा है 100 लड्डू और लिखा है कृपया दो लड्डू उठाएं, तो वो रेजिस्टेंस, अब कोई आदमी कितना लड्डू उठाएगा? आदमी आना तो चाहिए, उठाने वाला तो चाहिए जी। केवल लिखा है दो लड्डू उठाएं और कोई आएगा ही नहीं, कोई खाने वाला ही नहीं होगा, तो क्या लड्डू उठेगा अपने आप? जी नहीं। रेजिस्टेंस आपने लिख दिया, बैरियर बना दिया कि कृपया दो लड्डू उठाएं, बैरियर काम करेगा? नहीं काम करेगा। जब तक कोई उठाने वाला नहीं आएगा, कंज्यूम करने वाला नहीं आएगा, तब तक नहीं करंट फ्लो करती है। अच्छा ठीक है, हमने ये पढ़ाया था स्टार्टिंग में। वीडियो शुरू से देखना, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, 4-5 वीडियो हुई है जी। तो करंट तभी फ्लो करती है जब उसको कंज्यूम करने वाला होना चाहिए, पीने वाला होना चाहिए, खाने वाला होना चाहिए। बीच में रेजिस्टेंस लगाने से उसके तरफ डायरेक्ट दूसरे साइड करंट फ्लो रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां कंज्यूम करने वाला ही नहीं है। लिखा है कृपया दो लड्डू उठाएं और एक आदमी आया कह रहा नहीं मुझे दो खाना ही नहीं, मैं तो आधा खाना चाह रहा हूं, तो तब तो वो आधे लड्डू उठाएगा ना। इतना वो आधा ही उठाएगा। लिखा है कृपया 5 लड्डू उठाए, शर्मा जी पहुंचे कि नहीं मुझे एक ही लड्डू खाना है, तो वो केवल एक ही उठाएंगे, 4 नहीं छोड़ देंगे वहीं पे। ये डिपेंड करेगा उठाने वाले पे, लोड पे सर। समझ आया? लोड पे, कि वहां पे कौन सी डिवाइस लगी है, कि कंजम्पशन कितने पावर की लगी जी। ठीक है जी सर। और सर थोड़ा सा सर पैरेलल का भी बता दीजिए, जैसे सीरीज में लगा हुआ था बोले थोड़ा सा पैरेलल में। पैरेलल में ना रेजिस्टेंस कम हो जाए। आप वीडियो देखो, बहुत आसान वे में समझाया गया। वीडियो देखो एक दो, अभी वीडियो उसमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े आप। हाँ सर।
वीडियो देखा था सर। हाँ, पैरेलल का मतलब ये होता है कि साइड बाय साइड दो रास्ते मिल गए। क्या मिल गए? दो रास्ते मिल गए, कुछ करंट इधर से फ्लो हो गई, कुछ करंट इधर से, फिर आगे जाके जुड़ जाएंगे। अच्छा, अब जुड़ करके इनपुट वाले से तो ज्यादा होंगे ही नहीं। जैसे मेट्रो के दो दरवाजे खोल दिए जाते, पीछे भीड़ हो जाती है। तो कभी मेट्रो में सफर किया है? जी नहीं सर। हाँ जी नहीं। अच्छा, कई बार चेकिंग होती है रेलवे स्टेशन पे, किया है? जी। एक मेन सिक्योरिटी गेट इस एक्सरे वाला खुलता है तो बहुत लंबी हो जाती है, फिर उसके बगल में दूसरा वाला भी खोल देते हैं। क्या करते हैं? तो क्या होता है, करंट फ्लो, आदमियों का फ्लो अंदर की तरफ बढ़ जाता है। अब दोनों रास्ते से, दो रास्ते से लोग होकर के जाके प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब वो आदमी इतना इकट्ठा नहीं हो जाएंगे कि जिधर जितना आए उससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना? नहीं सर। हाँ, तो क्या होता है, पैरेलल में दो रास्ते बन जाते हैं तो रुकावट कम पड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस कम होता है और करंट फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है। और वही एक बार सिक्योरिटी चेक हुआ कोरोना टाइम में, फिर दोबारा से चेक हुआ तो लाइन बहुत 10 किलोमीटर तक चली जाती है। एक के बाद एक, दो बार चेक होगा तो लाइन बढ़ेगी, साइड बाय साइड जल्दी जल्दी चेक होगा तो लाइन घटेगी। आदमियों का फ्लो बढ़ेगा मतलब करंट फ्लो बढ़ेगा, करंट फ्लो घटेगा, यही चीज है। ठीक है। और इन्हीं बेसिक चीजों को शर्मा जी बहुत आसान मतलब अच्छे वे में समझना है। अगर इन बेसिक बेसिक एग्जांपल्स को और इन चीजों की समझ रहेगी तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे। लोगों की गलती है कि मुझे एडवांस रिपेयरिंग सीखना है, एडवांस रिपेयरिंग सीखना है, बहुत ज्यादा एडवांस रिपेयरिंग सीखना है। एक क्लियर बात बोलते हैं कि इंजीनियरिंग नहीं सिखा रहे हम, रिपेयरिंग सिखा रहे हैं। और रिपेयरिंग एडवांस सीखने के लिए आपको पहले बेसिक बहुत अच्छे से पता हो, वही बेसिक एडवांस है। जो मेरे लिए आज बेसिक है वो आपके लिए एडवांस है। मैंने अभी देखे थर्मल कैमरे से एक मैनुअल वोल्टेज डाल के 5 मिनट के अंदर अंदर रिपेयर कर दिया मदरबोर्ड, है ना? उसी को आप एडवांस मानते हैं। एक्चुअल में वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और थ्योरी और कंपोनेंट्स के बिहेवियर को समझना है, करंट कैसे फ्लो करती है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या कब नुकसान पहुंचा सकती है, कब नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। क्यों फ्यूज बड़े वैल्यू का नहीं लगाना चाहिए, या क्यों जम्पर वायर नहीं यूज करते हैं फ्यूज के जगह, या कब कर देना चाहिए, या कर देने से क्या होगा, ज्यादा करंट चली जाएगी, ज्यादा लड़ाई होगा, अगली बार जला देगी चीजों को। ठीक है, चलो, बाय बाय।